धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैं आप लोगों को किस्सा सुना रहा था और वो किस्सा भी कुरानी किस्सा अर्थात कुरान की किस्सा। इस कुरान की किस्सा में आप लोगों को मैं सुना रहा था सूरह यूसुफ यानी यूसुफ नाम के जो पैगंबर हुए हैं उन पैगंबर की जीवन की घटना जो कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है उसे मैं सुना रहा था। मैं सूरह यूसुफ का 8 नंबर 3-4 वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाया हूँ, लेकिन आज उससे हट करके मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। हालांकि ये किस्सा ही है, मैं सोचा कि कुरान की शुरुआत की किस्सा को ही मैं अगर आप लोगों के सामने रखूँ तो वो बेहतर होगा और इससे हमें ये आसान हो जाएगा कि कुरान ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, कपोल कल्पित बातें हैं। क्यों और कैसा, तो उसको मैं पड़ताल के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। किस्सा इस प्रकार से है कि अल्लाह ने दुनिया बनाई तो उसमें तो सबसे पहले आदम बनाया गया बताया जाता है और 5-6 जगह से मिट्टी लाई गई फरिश्तों के द्वारा और फिर आदम का पुतला बनाया, उसमें रूह डाल दी, या अय्युह रूह उदखुल फी हाज़िहिल जसद ये कहकर आदम को छींक आई आली आली। ये सब गप वहीं से शुरू हो रहा है, ये किस्सा सब वहीं से शुरू हो रहा है। कुरान कि किस्सा यहीं से शुरू हुआ है और कुरान पूरा किस्सा ही किस्सा है और उसमें अल्लाह ने कहा भी खुद नहनु नकुस्सु अलैके अहसनल कसस, एक मनोरम किस्सा, पर एक नहीं है ये किस्सा पूरी कुरान जहां आप खोलेंगे वहीं किस्सा ही पाएंगे। तो मैं आज आप लोगों को ये सुना रहा हूं आदम वाले किस्सा कि आदम को वहां पर जन्नत में बना करके आदम की बाया पसली के एक टेढ़ी हड्डी से उसकी पत्नी को बनाया और अल्लाह ने आदम को ये बता दिया सुना दिया कि जन्नत में घूमो फिरो, फल फ्रूट जितना जो कुछ भी है सब खाओ पियो खूब मस्ती लो, लेकिन ये जो पेड़ है उस फल का नाम कुरान में नहीं है ना इस्लामी किसी ग्रंथ में है, उस फल को मत खाना। अब मना करने के बावजूद भी हजरत आदम ने उस फल को खा लिया। उस फल को खाने के बाद यहां कससुल अंबिया में बताया जा रहा है कि आदम का चेहरा बिल्कुल काला हो गया, काला पड़ गया। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा और जिब्राइल ने आकर के कहा कि तुम आज रोजा रखो, उपवास करो और हर महीने की हजरत आदम पर अल्लाह ताला ने ये फर्ज कर दिया हर महीने की एक रोज़ा, और उस ज़माने से लेकर हजरत मूसा के ज़माने तक इस पर अमल था। हजरत आदम ने आदम को जब अल्लाह ने जन्नत से निकाला दुनिया में भेजा तो हिंदुस्तान में ही भेजा, याद रखिएगा एरारात पहाड़ लिखा गया है बताया गया है और हिंदुस्तान का जखीरा ये शब्द आया है।
अल्लाह ने अगर आदम को कहीं भेजा हिंदुस्तान से, बेशक ही अल्लाह वाले नफरत करें, कुछ कहें, लेकिन अल्लाह ने हिंदुस्तान को पसंद किया उस समय से, अकॉर्डिंग टू कुरान के मुताबिक, तो अल्लाह ने आदम को भेजा हिंदुस्तान में। यहाँ आ करके दुनिया में आने के बाद हव्वा आदम पत्नी हामिला हुई। अब दुनिया में कितने दिन के आने के कितने दिन के बाद हामिला हुई, इसकी चर्चा कहीं पर भी नहीं है। और उसमें एक बेटा एक बेटी को जन्म दिया, बेटा का नाम काबिल और बेटी का नाम अक्लीमा। फिर उसके बाद जब दोबारा जनी तो फिर एक बेटा बेटी जनी, इस बेटे का नाम हाबिल और बेटी का नाम गाजा रखा गया। लेकिन जो काबिल के साथ जो बेटी जनी अक्लीमा जिसका नाम था, वो खूबसूरत थी, और हाबिल के साथ जो बेटी जन्मी वो खूबसूरत नहीं थी। यहाँ पलते रहे, और यह जब दोनों बड़े हुए तो हवा के लिए बताया जा रहा है कि 180 बार जनी थी, 180 बार बेटा बेटी बेटा बेटी बेटा बेटी के रूप में जनी थी, यानी 180 और 180 360, तो 360 180 बार जन्ना संतान उत्पन्न करना उत्पन्न होना ये संभव नहीं है, ये मेडिकल साइंस के भी विरुद्ध है। एक महिला के लिए ये कभी भी संभव नहीं था 180 बार संतान जन्म देना, वो भी जोड़ों जोड़ों के साथ बताया जाता है। यानी झूठ यहीं से शुरू हो रहा है, देखिए ये इसकी आगाज ही झूठ है, प्रारंभिक काल ही इसकी झूठ से ही। आगे चलिए, तो जब ये दोनों बेटे जवान हुए तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ आदम को बताओ। तो बड़ा वाला बेटा जो काबिल था उसके लिए बताया कि छोटे वाले बेटे के साथ जो गाजा नाम की लड़की जनी उससे शादी करो, और जो हाबिल के साथ जो बेटी जनी वो काबिल के साथ शादी करो, और काबिल के साथ जो बेटी जनी अक्लीमा वो हाबिल के साथ शादी करो। अब देखिए अल्लाह को आयु का भी पता नहीं लग पाया, बड़ा छोटा का भी ज्ञान अल्लाह को नहीं रहा, नहीं है। काबिल और अक्लीमा ये दो पहले जने, और छोटे दूसरे नंबर पे जो बेटा आया उसके साथ उसकी शादी की बात आई। अब यहां वो अक्लीमा जो थी वो खूबसूरत थी, और छोटी वाली जो थी उसके बाद वाली वो खूबसूरत नहीं थी। तो काबिल ने कहा कि नहीं, मेरे साथ जो बेटी बहन जनी है वो मैं तुमसे शादी करने नहीं दूंगा, मैं ही शादी करूंगा उससे। अब यहां इस्लाम वाले या बाइबल वाले दम भरते हैं इन दोनों किताब को कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, ईशवाणी है। उस ईश्वर को भी ये पता नहीं लग पाया, उस अल्लाह को भी पता नहीं लगा कि भाई बहनों में शादी होना धर्म है या अधर्म। तो हुक्म तो अल्लाह का था, आदम ने बताया कि नहीं ये हुक्म इलाही है,
काबिल के साथ जो लड़की जनी, उस हाबिल के साथ उसका शादी होना है, लेकिन काबिल इसको मानने के लिए तैयार नहीं हुई। जब काबिल मानने के लिए तैयार नहीं हुई है तो हजरत आदम ने कहा कि ऐसा करो, ये तो अल्लाह का हुक्म है शादी करने के लिए, जिब्रील आकर के बता गए, और इस हुक्म के खिलाफ तो मैं काम कर ही नहीं सकता। लेकिन हुक्म अल्लाह के हुक्म के खिलाफ पहले काम आदम कर चुके थे, जन्नत में जिसको खाने के लिए मना किया उसको खाए, उसको खाने के बाद आए दुनिया में। अब ये कह रहे हैं कि हम अल्लाह के हुक्म को टाल नहीं सकते, चलो कोई बात नहीं। तो बाप ने एक सुझाव दिया दोनों बेटे को, तुम लोग ऐसा करो कि पहाड़ के ऊपर जा करके दोनों कुर्बानी करो, और दोनों के कुर्बानी में से अल्लाह जिसको कबूल फरमाएंगे उसके साथ शादी करेंगे, उसको दे देंगे। लेकिन इस काबिल ने हाबिल को कहा कि इसको तलाक दे, बोले नहीं। अब तलाक शब्द वहां अल्लाह को कहां से मिला, ये भी सवालों के घेरे में है। उसने मना कर दिया। तो अब यहां दोनों कुर्बानी करने के लिए गए, और इस किताब में लिखा है इस बात को सुनकर काबिल ने इनकार किया और कहा कि मेरी बहन अकलीमा सुंदर है, देखने में खूबसूरत है, उसको नहीं दूंगा। आदम ने कहा कि ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है, तू मान ले। उसने कहा कि नहीं, मगर तुम हाबिल से ही दोस्ती रखते हो। उसने बाप को लगाया, आरोप बोला, बाप पर दोष लगाया कि तुम छोटे भाई से दोस्ती रखते हो, इसलिए तुम उसकी शादी करना चाहते हो। अब यह खुदा के हुक्म था, काबिल की बहन की शादी हाबिल के साथ, और हाबिल वाला काबिल के साथ शादी कर दी। इसके काबिल ने हाबिल और काबिल में इसमें हसद हुई, हसद माने दुश्मनी। अब ये दोनों भाइयों में दुश्मनी, दुश्मनी कराने वाला कौन? अल्लाह। यानी ये मत समझेंगे कि कुरान केवल हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, मुस्लिम और काफिर, बेदीन, ये सब में लड़ा है। अल्लाह तो लड़ा रहे हैं शुरू से, जब से अल्लाह के दुनिया बनाई गए, जबकि अल्लाह ने दुनिया बनाया ही नहीं। मैं तो दावा के साथ कहा हूँ और कहूँगा, सामने डिबेट करने के लिए आए, मैं सारा हवाला कुरान से दे दूँगा। अल्लाह जानता भी नहीं है कि दुनिया बनती कैसे है, किस चीज़ से बनती है, ये सारा प्रमाण मैं दे दूँगा। और यही तो परेशानी है कि ये लोग डर के मारे सामने आना नहीं चाहते, और मैंने उसमें शर्त भी रख दिया है कि वैसा ही नहीं, स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके हम डिबेट करेंगे। हम हार गए तो इस्लाम स्वीकार कर लेंगे, और वो हार गए तो वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा। ये खुली चुनौती है, खुली चुनौती देता आया हूँ, देता रहूँगा। अब यहाँ देखिए कैसे झूठ है, किस तरीके से ये झूठी बातों को यहां अल्लाह बयान कर रहे हैं, किस तरीके से बहका रहे हैं। जब दोनों भाइयों में यहां पर दुश्मनी छिड़ी तो बाप ने कहा कि यहां तुम अल्लाह का हुक्म बजा नहीं लाते हो, तो इससे करो कि इसके इंसाफ करने के लिए दोनों भाइयों को मीना पर कुर्बानी करने के लिए भेज दिया कि कुर्बानी खुदा की दरगाह में कबूल होगी उसकी जो जोरू या बीबी अकलीमा होगी। देखिए आलम ने क्या बोला, आलम ने बोला कि दोनों भाई कुर्बानी करो। तो कुर्बानी करने के लिए, करने के बाद जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल करे, अकलीमा उसकी बीबी होगी। लेकिन दुनिया वालों जरा याद रखना, अल्लाह ने जिब्राइल को भेज करके तो आदम को बताया था कि अकलीमा के साथ हाबिल की शादी हो। अब यहां कुर्बानी की बात अल्लाह को कहां से याद आ गई, और अल्लाह ने कुर्बानी कबूल करी,
और ये कुर्बानी क्या दिया, ये बहुत सारे बकरियां लेकर आए और कुर्बानी दी। मैं पूछना चाहता हूं संपूर्ण इस्लाम जगत से, उलमाए दीन से, शैफुल हदीसों से, मुफस्सिर कुरान से, कि आदम, हव्वा, हाबिल अकलीमा और काबिल गाजा, चार भाई बहन और दो बाप पति पत्नी माँ बाप, वहां सातवां आदमी कौन था, कहां था, बकरी कहां से ले आए और बकरी को कुर्बानी करने के लिए उनको हथियार कहां से मिला, कौन से हथियार चलाए थे जो बकरी की कुर्बानी की गई, और उस बकरी की कुर्बानी में वतलु अलैहिम नबा अबनी आदमा बिलहक के इज कर्रा बाकुर्बानन फकुतिल फतु कुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम वलम यक तलु मिनल आखिर। तर्जुमा, और सुनो उनको तहकीक अहवाल आदम के दोनों बेटों का, जब नियाज की दोनों ने नियाज की यानी मिन्नत मानी दोनों ने, कुछ नियाज फिर कबूल हो गई, कबूल हुई एक से और एक से कबूल न हुई, गर्ज दोनों भाइयों में कुर्बानी को मीना पर रख दिया गया, दुआ मांगी गई, या इलाही कुर्बानी हमारी कबूल फरमा। मैं आतिशे बे दो मिसाल समीरल के आकर कुर्बानी हाबिल की जला गई, यानी अग्नि आकर के, गैबी अग्नि आकर के हाबिल की कुर्बानी को जला गई, अब काबिल की कुर्बानी को नहीं। अब देखिए यहां बात क्या चल रही है, हुक्म अल्लाह का ही है, झगड़ा अल्लाह ने कराई और फिर यहां अल्लाह झगड़ा करा दे, गैब से अग्नि आकर के उस बकरी के गोश्त को खा जाना, जला देना, जल जाना, यह संभव है? कुर्बानी काबिल की कबूल न हुई, तब काबिल हाबिल से बोला जैसा कि हक ताला ने फरमाया, कौल अक्तुलन्नका, काबिल ने हाबिल को कहा कि मैं तुझको मार डालूंगा। सुनिए क्या कह रहे हैं अल्लाह ने, अल्लाह ने क्या कहा, मैं तुझको मार डालूंगा कि कुर्बानी तेरी कबूल हुई। हाबिल ने कहा, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, हाबिल बोला कि अल्लाह ताला कुर्बानी कबूल करता है परहेजगारों की। अब वहां परहेजगार कैसे हो गए, किसकी परहेजगारी करी ये भी नहीं पता। और आदम को जब अल्लाह ने पैगंबर भेजा तो दुनिया में पैगंबर के माने पैगाम लाने वाला, संदेश वाहक, संदेशा पहुंचाने वाला, तो दुनिया में कोई व्यक्ति, कोई लोग नहीं थे, कोई परिंदा भी नहीं था, तो किसके पास संदेशा भेजे थे, आदम, आदम किसके पास संदेशा लेकर के आए थे, और मुझ पर मारने को मैं हाथ न चलाऊंगा फिर मारने को मैं डरता हूं अल्लाह ताला से जो साहिब है सारे जहां का, सारे जहां का, अब वो कौ को ही मीना हाजियों के महल मुनाजात है, वो अब जो लोग हज करने के लिए जाते हैं वहीं पर वो दुआ मांगने के लिए जाते, कोहे मीना कुर्बानी तक उसकी जगह जगह में होती है। आदम के जमाने में
मीना पहाड़ पर आतिश का हुक्म थी जो तेज के इंसाफ के वास्ते उस पर रख देते। गैब से आग आग आकर, सुनना दुनिया वालों, गैब से आग आकर उसे जला देती तो खुदा की दरगाह में वो मकबूल होती और नूह के अय्याम में हाकिम कश्ती थी उसमें झूठ सच मालूम हो जाता था। ये है कुरानी किस्सा और ये मैं आयात सुनाया हूँ, एक दो आयात नहीं, ऐसे आयातों की फुलझड़ी लगा दूंगा मैं। ये सब आयात कुरान के हैं, मैं कुरान से बाहर बोलता नहीं हूँ। पहली बात, जो मैं बोलता हूँ प्रमाण के साथ बोलता हूँ, लेकिन ये कुरान में कहाँ है ये मैं अभी खोला नहीं। मैं बुला रहा हूँ, सामने आओ, सामने आकर के हम डिबेट करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। हम पड़ताल करते हैं कि सच क्या है और गलत क्या है। ये किस्सा कहानी की किताब ईशवाणी का होना क्यों और कैसा संभव है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं ईश्वरीय ज्ञान में किस्सा कहानी की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी का वंशावली नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम की गुंजाइश नहीं है। जाकिर नायक चिल्ला रहा था, वो जाकिर नायक की गलती नहीं है, गलती वेद प्रकाश उपाध्याय नाम का एक हिंदू जो पंजाब यूनिवर्सिटी का रीडर रहा है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, उस हरामजादे ने लिखा है वेद में हजरत मोहम्मद, वेद और पुराण में हजरत मोहम्मद, उसे लेकर के ये लोग डिंग हाँकते हैं उसी वेद प्रकाश की किताब को। 1985 में जब वो किताब मेरी हाथ लगी तो मैं 1985 में जब दिल्ली से सार्वजनिक सभा की ओर से मुझे बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा भेजा गया, उन दिनों में वो पुस्तक मेरी हाथ लगी तो मैंने उस वेद प्रकाश, पंजाब यूनिवर्सिटी के वो रीडर रहे हैं, उन वेद प्रकाश को लिखा कि साहब आपके माता पिता ने आपका नाम वेद प्रकाश रखा, पढ़ाई लिखाई और लिखने पढ़ने के बाद आप एक यूनिवर्सिटी में रीडर हैं और उसके बावजूद भी आप प्रकाश देख रहे हैं कुरान में, तो बलाए मेहरबानी आप अपना नाम बदल क्यों नहीं लेते, वेद प्रकाश के जगह में कुरान प्रकाश रख देना चाहिए था। उसका जवाब नहीं आया, आज तक जवाब नहीं आया। ऐसा एक काम नहीं, उन दिनों से लेकर के अब तक मैं ऐसे बहुत सारा काम किया हूं। द सोलक इंटरनेशनल जो मित्र जीवन नाम का एक व्यक्ति, वो हम लगभग 5-6 हम एक साथ आए थे, मित्र जीवन नाम का एक था, वो आर्य समाज में आया और गाजियाबाद में जो कांड हुआ, गाजियाबाद नगर आर्य समाज से उसको मार करके भगाया, और किस लिए मारा उन आर्य समाजियों से पूछ लीजिएगा तो पता रहेगा। तो वो इस्लाम स्वीकार किया, इस्लामुल हक नाम बना उसका, उसने चुनौती दी आर्य समाज को। आर्य समाज वालों को पता ही नहीं है, और मेरे पास सारा लेटर पैड में ही लिखा हुआ सारा खजाना है मेरे पास, उसको उसके साथ मेरा पत्राचार किया, उसने चुनौती दी आर्य समाजियों को, उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया और फिर मैं उसको जवाब लिखा। जवाब लिखने के बाद उसके साथ मेरा जो पत्राचार हुआ, ये सारा काम मेरा आज से नहीं, मैं जब से आया हूं तब से कर रहा हूं। ये तो मैं बोला ना, ये सब रट्टू तोता है, इनको कुछ अता पता नहीं है और ना ये जानते हैं कुछ और ना इन्होंने किसी का जवाब कभी दिया है। वो डॉक्टर श्रीराम आर्य थे, वही जवाब दिया करते थे, उनके जाने के बाद वो काम मेरे जिम्मे में किया है लोगों ने। वैसे ही आचार्य बलदेव जी के भी कई पत्र हैं, जवाब उनसे नहीं दिए, पंडित जी आप जवाब दीजिए, नई दुनिया में लेख निकला था। खैर, तो यहां पर जो कल्कि अवतार बता रहे हैं, ये वेद में मोहम्मद का नाम है, भाई वेद में मोहम्मद का नाम है तो मैं जाकिर नाइक को बोला कि वेद में अगर मोहम्मद का नाम है तो वेद को तुम्हें अपना लेना चाहिए, कुरान को क्यों ढो रहे हो। लेकिन वो वेद का वाह जानता नहीं है और खामा खा अवतारवाद इस्लाम में नहीं है, अवतारवाद वेद में भी नहीं है, वैदिक मान्यता में, वैदिक सिद्धांत में भी अवतारवाद नहीं है। परमात्मा का अवतार होता ही नहीं है, पर परमात्मा अवतार नहीं लेते हैं, लेने का कोई सवाल ही नहीं है।
क्योंकि अवतरण शब्द का अर्थ होता उतरना, तो उतारने से पहले मैं पूछूंगा ये चढ़ाया कहाँ है। ये पौराणिक हिंदू भी फंसे पड़े हैं इसी में। खैर, तो मैं ये किस्सा आप लोगों को थोड़ा सा संक्षेप में ही, अल्लाह ने जब दुनिया बनाई उस समय से ही ये किस्सा चालू हुआ, इसीलिए मैं ये दिखाना और बतलाना चाहा कि जो लोग ये कहें कि भाई बहनों में शादी कहाँ हुई, उसी का ही हवाला मुझे ये देना था। ये देखिए सारा अंडरलाइन मेरा किया हुआ है, सारा अंडरलाइन मेरा किया हुआ है, जहां से जो बोलेंगे मैं वहीं से हवाला दे दूंगा। ये है कससुल अंबिया, देख लीजिए अच्छे ढंग से, ये है कससुल अंबिया, नबियों का किस्सा, सब कुरानी आयात से मैं हवाला दूंगा। कुरान भरा पड़ा है इन किस्सा और कहानियों में, और वो झूठी कपोल कल्पित। क्यों? मैंने सवाल उठाया, बोले ना अल्लाह वाले बोले, इस्लाम के मानने वाले बोले, कुरान के मानने वाले बोले, बतलाएं कि आदम अगर पैगंबर थे तो वो किनको पैगाम देने के लिए आए थे, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब 180 बार जनी, किसी महिला का 180 बार जन्ना, संतान को जन्म देना जोड़ों जोड़ों के साथ संभव है या नहीं, ये डॉक्टर जाकिर नायक मुन्ना भाई बोले, वो बोल रहा है कि मैं मेडिकल साइंस का स्टूडेंट रहा, मेडिकल साइंस को मैं पढ़ा, MBBS पढ़ा, MBBS किया, मैं तो मुन्ना भाई बोला हूं इसलिए कि उसने पढ़ाई पढ़ाई नहीं करी, एडमिशन लिया होगा पढ़ नहीं पाया, कोई असुविधा परेशानी हो रही होगी, या तो फिर प्रैक्टिस नहीं चली उसकी, वो जाना ही नहीं मेडिकल साइंस को। इसलिए मैंने निवेदन किया कि 180 बार किसी महिला का जन्ना संभव नहीं है। अब यहां अल्लाह ने जिब्रील के माध्यम से भेज दिया खबर आदम को कि बड़े वाले बेटे के साथ जो लड़की जनी है वो छोटे वाले बेटे के साथ उसकी शादी करो, लड़की आयु में बड़ी है, लड़का आयु में छोटा है। अल्लाह को ये ज्ञान भी नहीं है, यह अकल भी नहीं है कि शादी करते समय लड़की की आयु बड़ी होनी चाहिए या लड़की की, पर ये होंगी कहां से, क्योंकि इस्लाम के जो अधीन आए उन्होंने भी 25 वर्ष की आयु में 40 साल की महिला को विवाह किया, शादी किया, 25 वर्ष की आयु में 40 साल की महिला से शादी हुई, जबकि वो दो शादी उसकी और हो चुकी, दो पति को पास करके आए थे, ये तीसरे नंबर के पति के रूप में। अल्लाह को ये आभास ही नहीं है कि शादी कैसी होनी चाहिए, किनके साथ किनकी शादी होनी चाहिए, किस आयु वालों के साथ किस आयु वालों की शादी होनी चाहिए, ये नहीं है जानकारी। चलो कोई बात नहीं, तो फिर उसके बाद मैं पूछ रहा हूं, यहां जो सवाल उठाया हूं एक एक सवाल का जवाब देना, सामने बैठने पर ही मसला का हल होना संभव होगा, इसलिए मैं सामने बुला रहा हूं, सामने आओ और कुरान ईश्वरीय ज्ञान न होने का सारा प्रमाण मैं कुरान से ही उठा करके दूंगा। ये मुफ्ती यासीर कहीं कोई 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 कुछ कोई कुछ बोल रहा है, कोई अभी एक जाकिर नाइक का मुंह बोला बेटा, वो इलियास सरफुद्दीन बकवास कर रहा है, मैं जबकि उसके जवाब मैं दे चुका हूं, अगर बाप से जन्म लिया होता सामने आता, सामने आकर के डिबेट करता, और सामने आने पर मैं धराशायी करूंगा, ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, सारा खजाना कुरान से उठा करके दूंगा। ये कुरान कपोल कल्पित बातें हैं, ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान में सृष्टि नियम विरुद्ध बातों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ईश्वरीय ज्ञान में विज्ञान विरुद्ध बातों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, मानवता विरुद्ध बातों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए,
किस्सा कहानी नहीं होनी चाहिए, किसी का वंशावली नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष के नाम की भी गुंजाइश ईश्वरीय ज्ञान में नहीं है और न होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा ही मैं प्रमाण के रूप में आप लोगों को ये देना उचित समझा। फिर मैं सुनाऊंगा आपको लोगों को वो किस्सा यूसुफ का जो मैं सुना रहा था, वो भी क्या तमाशा है, क्या तमाशा है उस यूसुफ का किस्सा में। आप लोग सुनेंगे तो हंसते हंसते पेट फूलेंगे आप लोगों को। वहां बादशाह अजीज जिसने यूसुफ को खरीदा वो अपने घर में गुलाम बना करके रखा और यूसुफ की पत्नी उस पर आशिक हो गई, कमरे के अंदर में बंद हुए। तो वहां पर दिखाया बताया गया कि कुर्ता पीछे से पटा है आगे से पटा है। तो जब वहां की मिस्र की महिलाएं जब कोसने लगी जुलेखा को कि तुम एक गुलाम पर तुम फिदा हो रही हो, तो उसने क्या करी, महिलाओं के हाथ में चक्कू और फल दे करके बिठा दिया सबको। और यूसुफ कमरे में था, उसको बुलाया, यूसुफ का कई बार आना जाना हुआ, सारी महिलाएं सभी महिलाएं फल काटने के बजाय सब उंगलियां काट बैठी। और बताया जाता है कि यूसुफ को अल्लाह ताला ने इतना हुस्न दिया था, इतनी खूबसूरती दी थी। तो ये सारा किस्सा कुछ सा भरा पड़ा है कुरान में और बाइबल में। ये दोनों ही किस्सा, दोनों ही किताब किस्सा और कहानी का खान है। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर ही विराम दूं और इस किस्से को आप लोग भी भली भांति परखें, जांचें। अगर कोई कहता है कि यह किस्सा नहीं है कुरान में, मैं जिम्मेदार हूं उसका हवाला देने के लिए। सामने आए स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके करेंगे, सच्चाई का पता लगेगा। दूध का दूध और पानी का पानी अलग होना संभव होगा। सामने आओ, जो चाहे वो आओ। मैं निरुत्तर हुआ, उनका वो निरुत्तर हुए, तो मेरा वैदिक धर्म को स्वीकार करो। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।